तुम सबका कल्याण हो। गरुड़, चंद्रमा के बाद और सूर्य लोक से पहले और कौन से ग्रह आएंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच दो और ग्रह होता है। सबसे पहले आता है शुक्र, जिसका रंग श्वेत और ये उज्जवल स्वभाव का ग्रह है, परंतु ज्वालामुखियों से भरी इसकी सतह का तापमान बहुत। फिर इसके बाद आता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट है। इसका रंग भूरा होता है, जो सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से घूमता रहता है। इसकी कक्षा बहुत छोटी होती है, दिन में ऊष्मा और रात में शीत सबसे अधिक होती है। वाह गरुण, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी माँ ने सूर्य मंडल और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। गरुण, हमें भी ये दोनों ग्रह देखने हैं। हाँ गरुण। नहीं तक तो भाई, बिना किसी कारण के इन ग्रहों पर जाना और वहां की शांति भंग करना उचित नहीं है। हम दूर से ही इन ग्रहों को प्रणाम करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे, और वैसे भी हमारी दोनों माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है, वो मैं कर लूंगी। तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कद्रु दीदी ने सदैव मेरे पुत्रों का आहित ही किया है। अरुण के साथ जो हुआ उसका दायित्व मेरा था, पर फिर भी वो जीवित है। मेरे दोनों पुत्र आज तक सुरक्षित हैं तो केवल आपकी कृपा दृष्टि के कारण। पर प्रभु, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मेरे गरुड़ के साथ साथ नागों पर भी अपना आशीष बनाए रखेगा, सभी को सुरक्षित रखेगा प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ ये पूजा विचलित होकर कर रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवा। बहुत आनंद आ रहा है। तापमान बहुत अधिक है भैया। हाँ, अब तो सहन भी नहीं हो रहा है। मुझे इनको सुरक्षित यहाँ से निकालना होगा। करुण, अब हम क्या करें?
गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय कम है, जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा मुझे। कैसी शक्ति है ये जो मुझे खींच रही है, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या हुआ विंता, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? जब मैंने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ किया था तो मुझे लगा कि गरुड़ बहुत तीव्र प्रकाश की ओर जा रहा है, पर अचानक अचानक क्या? अचानक ऐसा आभास हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधकार की ओर लेकर जा रही है। ऐसा घनघोर अंधकार जिसमें सूर्य का प्रकाश भी खो जाता है। शक्ति? कैसी शक्ति? कहाँ है वो गरुड़? कहाँ है मेरे भाई? उत्तर दीजिए दासी माँ। नहीं जानती मैं, पर मेरा अंतर्मन कहता है बहुत दूर है वो सब। पृथ्वी से भी और सूर्यलोक से भी। ये देख रहा है गरुड़, सूर्य से छठा ग्रह है ये, और आकार में बृहस्पति के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके वलय या छल्ले, जो मुख्य रूप से हिम से बने हैं, पर उनमें कुछ मात्रा में धूल से बनी छोटी चट्टानें भी होती हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये शनि ग्रह है, पर वो तो पृथ्वी और सूर्य से बहुत अधिक दूर है। इसका अर्थ है कि हम सच में मार्ग भटककर बिल्कुल विपरीत दिशा में आ गए। माँ और बड़ी माँ दोनों प्रतीक्षा कर रही होंगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं अंतरिक्ष में तो नहीं जा सकता, उचित यही होगा कि यहाँ से मैं इस ग्रह पर उतर जाऊँ। आप सबको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप सबको हमसे कोई संकट नहीं है।
हम तो स्वयं यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हम सब सूर्य लोग जा रहे हैं और उल्का वर्षा के कारण अपना मार्ग भटके और यहाँ पहुंचे। हंस क्यों रहे हो तुम? हमें मूर्ख समझा है क्या? कारण बताओ, नहीं तो फिर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। शनि ग्रह है ये, अपनी इच्छा से ना कोई यहाँ आता है और ना कोई जा पाता है। तुम सभी के कर्म तुम्हें यहाँ खींच कर लाए हैं और जब तक इस ग्रह के स्वामी शनि देव तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देते, तुम सभी बंदी रहोगे। हमें बंदी बनाने का दुस्साहस? जानते भी हो हम कौन हैं? तक तो भैया धूमल भैया, शांत हो जाइए, युद्ध नहीं करना है हमें। नहीं गरुड़, भाइयों तैयार हो जाओ। इन मूर्ख सिपाहियों को और इनके स्वामी को पता चलना चाहिए कि हम कद्रु माँ के पुत्र हैं। महाशक्तिशाली, महाबलशाली नाग हैं हम। कहता रुक जाइए, तक तो भैया धूमल भैया रुकिए, युद्ध कोई उपाय नहीं है, मेरी बात मानिए। कोई भी कार्य करने से पहले हमें विचार अवश्य करना चाहिए। समझिए कि हम कहां और किससे युद्ध करने जा रहे हैं। रुकिए, युद्ध कोई उपाय नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूं। दीदी, ये चावल के दाने अचानक से काले कैसे हो गए? ऐसा तो तब होता है जब शनि देव का प्रभाव हो। दीदी, लगता है हमारे पुत्र अपना मार्ग भटक कर शनि ग्रह पर पहुंच गए हैं। यदि शनि देव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा।
आपकी कोई शत्रुता है मुझसे? नहीं, नहीं तो। तो आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? जब भी मैं साज श्रृंगार करती हूँ, आप मेरे दर्पण पर अपनी दृष्टि क्यों डाल देते हैं? हम तो बस आपको देखना चाहते हैं देवी, परंतु नियति का व्यंग्य देखिए, हम आपको प्रेम से निहारना तो दूर, आपको अपने नेत्र उठाकर एक पल देख भी नहीं सकते। प्रिय, ये कैसा श्राप दे दिया आपने हमें? आप मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी तो यही चाहती हूं ना स्वामी। इस संसार की हर स्त्री यही चाहती है कि जब वो साज सज्जा करे तो उसका पुरुष उसे निहारे, अपनी प्रिया के काजल से सुसज्जित गहरी आंखों में डूब जाए, लाज स्वयं रंग बनकर उस स्त्री के गालों पर छा जाए, उसके अधरों की लाली चुंबन के माध्यम से उसके पुरुष के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। मैं भी तो एक स्त्री हूं स्वामी, जो अपने पति से प्रशंसा के लिए तरस रही है। ये साज सज्जा, ये अलंकार, ये सब आपके लिए ही तो है, पर ये मेरे क्रोध और आपके कर्मों का फल ही है, जो हम अपनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। एक दूसरे की आंखों में एक टक देखते हुए प्रेम से निहार भी नहीं सकते। इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी वक्र दृष्टि से भयभीत ना हुआ हो। स्वयं महादेव शिव शंकर भी, आपको स्मरण है ना कैसे उन्हें आपकी वक्र दृष्टि का प्रकोप सहना पड़ा था? प्रणाम महादेव। आपकी भक्ति भी विचित्र है शनिदेव। मैं देवों का देव हूं, आप मेरी आराधना करते हैं और आप फिर भी मेरी राशि में आना चाहते हैं। आपसे क्या छिपा है महादेव, आप तो सब भली भांति जानते हैं मुझे किसकी राशि में प्रवेश करना है और किसकी राशि में नहीं, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा प्रभु, और मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी। प्रभु, मैं चाहकर भी होने को नहीं टाल सकता, इसलिए मैं आपको सतर्क करने आया हूं। आपकी दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहेगी शनिदेव? प्रभु, सुबह की पहली किरण से सवा पहर तक मैं आपकी राशि में रहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु तब तक आपको सतर्क रहना होगा। आप चिंतित ना, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा शनिदेव। विशाल वृक्ष का ये कोटर अवश्य ही मुझे संभालेगा, सूर्य की किरणें भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो मुझ पर शनि देव की दृष्टि कैसे पड़ेगी?